लेकिन शिवसेना में ये महिला वुमेन एम्पावरमेंट का कोई इतिहास है ही नहीं। अब ये अचानक 2023 में आप कैसे ही इसको बदल देंगे? मैं थोड़ा आपका फैक्ट चेक कर दूं। सबसे पहले लोकल बॉडीज में मैंने आपको बताया एक मैंडेट है 50%। मैं आपको बोल रही हूँ लोकल बॉडीज में 51% से ज्यादा अगर महिलाएं हैं तो शिवसेना में है, पहली बात। दूसरी बात आपकी फैक्ट चेक, अलाउ मी टू कैबिनेट सर, कैबिनेट हमें रैंक ही कब देते थे? कैबिनेट रैंक हमें कब, मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, एक कैबिनेट उद्धव जी के जो कैबिनेट बने थे, आप थे ना उसमें, महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, उसमें बिल्कुल महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन था। यशोमती ठाकुर जी एक इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो में थी। माविम जो महिला आर्थिक विकास में है वो शिवसेना की महिला थी। अब मैं आपको दूसरा फैक्ट चेक करूं, डिप्टी स्पीकर प्लीज मैं कंप्लीट कर दूं, क्योंकि हो सकता है लोगों के मन में ऐसा फीलिंग हो कि मेल डोमिनेटेड पार्टी है। दूसरी बात आपको फैक्ट चेक कर दूं, जो मेयर्स जैसी पोजीशन होती है, इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, मुंबई की मेयर हमारी महिला थी। अब मैं आपको दूसरा आपका फैक्ट चेक कर दूं, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में उपसभापति थी वो महिला थी, शिवसेना की महिला थी। और चौथी चीज फैक्ट चेक कर दूं, क्योंकि यहाँ पे यंग गर्ल्स हैं, एक किताब है जिसने बकायदा रिसर्च बेस्ड किताब है, वो उन्होंने किताब लिखी है द डैशिंग विमेन ऑफ शिवसेना। आप उस किताब को पढ़िए, आप देखिए कि महिलाओं ने कितनी बड़ी भागीदारी ली है शिवसेना को आगे बढ़ाने की, घर घर में शिवसेना को पहुंचाने का अगर काम किया होगा। आपको बताऊं, कोई राजनीतिक पक्ष नहीं होगा, उस कल्चर समझना जरूरी है शिवसेना का, कोई राजनीतिक पक्ष नहीं है जो मैरिटल काउंसलिंग भी कर दे, हम वो करते हैं। अगर कोई शराब पीने की आदत है कि आदमी की और हस्बैंड आकर उसको महिला के साथ वायलेंट होता है, तो हमारी शिवसेना की महिलाएं हैं जो जाकर उसको उसकी लाइन दिखाती हैं। जब जब जिस घर में महिला के साथ अन्याय होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, शिवसेना की महिलाएं जो उनको पुलिस स्टेशन लेकर जाती हैं। तो ये महाराष्ट्र का कल्चर आपको समझना पड़ेगा और शिवसेना का फाउंडेशन समझना पड़ेगा। आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, आपकी पूरी पार्टी उसका हिस्सा है, क्या आपको लगता है कि ये विचारधारा का गठबंधन है? इंडिया आगे बढ़े ये विचार है या नहीं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, किसानों को सम्मान मिले ये विचार है या विचार विपरीत है? हिंदू धर्म हमें क्या कहता है, वासुदेव कुटुंबकम। अगर हम कहें मेरा धर्म मुझे ये सिखाता है कि हम सब एक हैं और ये मेरा पूरा परिवार है, वो विचारधारा को मैं इंक्लूसिव कहूँ, मैं सेक्युलर कहूँ, मैं आप कोई भी उसको आपत्तिजनक, आप लोगों को लगने लगा आजकल वर्ड सेक्युलर ही आपत्तिजनक लगने लगा है, पर मैं कहूँ, अगर मैं कहूँ मैं कि मैं अपने धर्म का पालन कर रही हूँ, हिंदू धर्म का पालन कर रही हूँ, वासुदेव कुटुंबकम, मेरी धरती पे, मेरे देश की धरती पे जो जो इंसान है वो मेरा संविधान कहता है, मेरा धर्म कहता है कि सबको समानता मिलनी चाहिए, क्या वो विचार विपरीत है? अगर मैं कहूँ महिलाओं को, कल बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, राम के से पहले सीता है, कृष्ण से पहले राधा है, ये वो सम्मान कहाँ गया था? अगर मैं वो सम्मान की लड़ाई लड़ रही हूँ महिलाओं के लिए, क्या मैं विचार विपरीत काम कर रही हूँ? अगर हमारे युवाओं के बीच में बेरोजगारी है और इतनी भारी संख्या में ये लोग विदेश जा रहे हैं, तो ये मेरे विचारों की विभिन्नता है या विचारों के विपरीत होना चाहिए? तो हमारे विचार इसमें बिल्कुल तालमेल खा रहे हैं। इसमें एक छोटा सा सवाल, दीपंकर भट्टाचार्य इंडिया में है, नक्सल है, तो नक्सलाइट को भी शिवसेना एक्सेप्ट कर लिए हैं, वसुधैव कुटुंबकम, जो आर्म्ड रेवोल्यूशन की बात करते हैं। पीडीपी को भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट करे तो वो दूध की धुली, गंगा नहा ली। हमने एक अलायंस, लार्जर अलायंस बनाया, हम तो महाराष्ट्र की पार्टी हैं, लार्जर अलायंस में, देश के अलायंस में कोई और विचार विभिन्न लोग आते हैं तो किस तरीके से मैं विचार विपरीत हुई? मेरी पार्टी में अगर महाराष्ट्र में अगर ऐसा कोई निर्णय होगा, मैं उस पर सवाल उठाऊंगी। नहीं, लेकिन देखिए ये सवाल इसलिए बनता है क्योंकि आरजेडी और समाजवादी पार्टी ये MY फैक्टर पे काम करते हैं, उसके फॉर्मूले पे चलते हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, लेफ्ट पार्टियां जो नास्तिक विचारधारा मानती हैं, आपका एजेंडा ही हमेशा से मराठा गौरव, हिंदुत्व रहा है, क्या ये बेमेल गठबंधन नहीं रखता? मेरा हिंदुत्व क्या ये कहता है अपने पराये में फर्क करिए, अपने देशवासियों में फर्क करिए? आपका हिंदुत्व कहता है, आपका हिंदुत्व, अगर आप कहते हैं आप सहमत है कि भारतीय जनता पार्टी का जो आइडिया ऑफ हिंदुत्व है, जहां पे एक पार्लियामेंट मिनिस्टर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रमेश बिदूरी पार्लियामेंट के अंदर
एक मुस्लिम सांसद को कहें और कितने आपत्ति उग्रवादी कहें, आतंकवादी कहें, ये कहें तू मुझे बाहर मिल, तुझे सबक सिखा दूंगा, और बाकी सारे शब्दों का तो मैं नाम ही नहीं लूंगी, वो सब आपने कल देखा होगा वीडियो, ये आपका हिंदुत्व सोच है। तो जितनी निंदा की जाए कम है। मैं सवाल पूछ रही हूं, वो बहुत गलत किया है, अब तक उस पर कार्रवाई नहीं की गई है, ये आपका हिंदुत्ववादी सोच है। मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रही हूँ, बृजभूषण सिंह पे चार्जशीट लगी हुई है, क्या ये हिंदुत्ववादी सोच है कि हमारे हिंदुत्ववादी सोच से विभिन्न है? जब हम बात महाराष्ट्र की करेंगे तो क्या वहां पर यूपी बिहार के लोगों को वहां पर एक्सेप्ट किया जाएगा? लास्ट ये बताइए, लास्ट ये बताइए, बिहार मुझे भी कंप्लीट करने दीजिए, नहीं बिहार महाराष्ट्र, मैं आपको टोक नहीं रहा हूं, मुझे सवाल कंप्लीट करने दीजिए, महाराष्ट्र क्या मुसलमानों को आप बराबर का दर्जा देने के लिए तैयार हैं? आई अगेन रिपीट टू यू, क्योंकि ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल आपने एक बात कही है, क्या आप यूपी और बिहार वालों को इक्वल जगह देने को तैयार? महाराष्ट्र में क्या रोजगार, इक्वल रोजगार मिलेगा उनको? आप लोग सब सीनियर एडिटर्स हैं यहाँ पे सारे वेल रेड हमारे युवा हैं, आप मुझे बताइए पिछली बार बिहार उत्तर प्रदेश को लेकर घटना कब हुई आपको महाराष्ट्र से सुनाई दी? आप मुझे बता दीजिए। लेकिन ये पुराना स्टैंड रहा था? नहीं, मुझे 30 साल पहले का स्टैंड आप मत बताइए, 30 साल पुराने अटल बिहारी वाजपेयी का स्टैंड ये है जो आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, 30 साल पहले क्या हुआ उसकी अकाउंटेबिलिटी में मैं आपको नया स्टैंड बताती हूँ। चलिए, अच्छा आपने पूछा, नहीं एक सेकंड कंप्लीट करने दीजिए। अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा, कोविड के समय पर श्री उद्धव बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, जब ट्रेन रातों रात बंद हो गई थी, जो वहां से लेबर फोर्स आता है, हमने ये रिक्वेस्ट की थी, वो लोग सब किराए के घर में रहते हैं मुंबई में, किराया कितना महंगा है कोई जानता है, हमने कहा आप चार घंटे की रियायत मत दीजिए, बहुत सारे लोग हैं जो जाना चाहते हैं, नहीं माना गया, ठीक है मोदी जी ने कह दिया, काम करना है तो करना है, नोटबंदी हुई तो करनी है, उनको पूरा जिनको घर नहीं थे उनके पास रिलीफ कैंप्स चलाए, और जैसे ही ट्रेन की सुविधा शुरू हुई, जो केंद्र सरकार टिकट के पैसे मांग रही थी वो टिकट के पैसे भी सरकार राज्य सरकार ने दिए, तो आप मुझे ये मत बताइए कि क्या उनको समानता मिलेगी कि नहीं। अब मुसलमानों पे आते हैं, बहुत आरोप, आप सोचिए कोविड के समय पर भारतीय जनता पार्टी जब वहाँ पे पूरे मूवमेंट पे बैन था, वो लोग बाहर आकर प्रोटेस्ट करते थे कि ये लोग मंदिर नहीं खोल रहे हैं, हमने मस्जिद भी नहीं खोले, हमने चर्चेस भी नहीं खोले, और हमारे मुख्यमंत्री ने यह याद दिलाया कि अभी जिम्मेदारी यह है कि इंसान की जान बचाओ, जिम्मेदारी यह नहीं है इंसान का बंटवारा करो। तो आप से मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप महाराष्ट्र का इतिहास देख लीजिए और महाराष्ट्र में क्या चेंजेस आए हैं, किस तरीके से काम होता है वो देख लीजिए। राहुल गांधी एक बात बार बार कहते हैं, मैं गांधी हूं सावरकर नहीं, उद्धव ठाकरे को ये ठीक लगता है? महाराष्ट्र की राजनीति में ये ठीक लगता है कि सावरकर को इस तरह से एक नेता लगातार अपमानित करने की कोशिश करता है? महत्वपूर्ण सवाल है और उसका जवाब मैं इमीडिएटली दे देती हूँ। जब हाल ही में उन्होंने किया था, आई थिंक 6-7 महीने पहले, हमने बकायदा आपत्ति दर्ज की थी, सिर्फ हमने ही नहीं की थी, शरद पवार जी ने की थी, हमने जो मीटिंग्स हुई थी हमने उसका बहिष्कार किया था, ये बिल्कुल सहमति हो गई है। मैं पूछती हूँ, चलिए आपने बहुत अच्छा, तो क्या इंडिया अलायंस में कंसेंसस हो गया है कि वो अब सावरकर के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे? उसमें सारा कंसेंसस ये है, और मैं फिर से रिपीट करूं कि 100 साल पुराना इतिहास में हमें पढ़ना नहीं है, हमें 100 साल आगे का इतिहास रचना है, ये कंसेंसस जरूर है।